everyone, what's up? Welcome to Apna College and I'm back with some more questions on recursion. So let's get straight into it. Our first question is that we have to tell that the array which we given is sorted or not. That means that in ascending order, its elements are or not. अब इसको अगर हम नॉर्मली कर रहे हैं लूप लगा के तो हमें करना पड़ेगा क्या कि हर एक एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर कोई भी एलिमेंट जो है अपने अगले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है राइट तो अब अगर हमें रिकर्शन यूज़ करके इसे सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे अब सपोज हमें ये जो है एक एरे दे रखी है और हमें इसमें बताना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम पहले चेक कर लें कि ये जो जीरोथ एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या नहीं ठीक है अगर ये है तो हम क्या करेंगे कि अपने रिकर्शन से चेक कर लेंगे बाकी का एरे राइट तो अगर ये एरे एन साइज का है तो हम रिकर्शन को बोलेंगे कि भाई तू बता एन माइनस वन एलिमेंट्स का कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं मैं बस एक बारी काम करूँगा एक बारी चेक करूँगा कि जो जीरोथ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कम है या नहीं अगर है और बाकी का एरे भी सॉर्टेड है मतलब कि पूरा एरे सॉर्टेड है राइट तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या एरे ऑफ जीरो एरे ऑफ वन से कम है एंड एरे ऑफ वन टू एन सॉर्टेड है या नहीं मतलब कि हम बस जीरो और वन को कंपेयर करेंगे और बाकी वन से लेकर एन तक का जो है वो आंसर हमें रिकर्शन दे देगा ठीक है तो इसको अगर हम कोड करना चाहें तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे एक जो कि बूल टाइप का होगा राइट और यहाँ पे हम भेज रहे होंगे एक एरे और उसका साइज अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम सबसे पहले जो है निकालेंगे कि रेस्ट ऑफ द एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं ठीक है तो रेस्ट एरे और ये होगा बूल टाइप का है ना क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो बूल रख रखी है हमने तो रेस्ट एरे इज इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ एरे प्लस वन एन माइनस वन यहाँ पे एरे प्लस वन करने से मतलब ये हुआ कि जीरोथ एलिमेंट की जगह जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पे पॉइंटर जो है पास हो जाएगा है ना और जो हमारा साइज हो जाएगा एरे का वो वन से डिक्रीज हो जाएगा तो पहले अगर हमारा एरे था ये तो अब एरे प्लस वन करने से हमारा जो पॉइंटर जाएगा वो यहाँ से जाएगा टू से तो हमारा एरे बच जाएगा इतना ठीक है और यही हम चाहते हैं तो ये जो है ये रेस्ट ऑफ द एरे का हमें बता देगा कि वो सॉर्टेड है या नहीं अब हमें क्या चेक करना है कि क्या एरे ऑफ ज़ीरो एरे ऑफ वन से कम है एंड क्या रेस्ट एरे ट्रू है अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये और जो रेस्ट एरे है अगर ये दोनों ट्रू आ जाती है तो हम क्या करेंगे ट्रू रिटर्न कर देंगे है ना मैं यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकती हूँ कि आप ये पूरा एक्सप्रेशन जो है रिटर्न कर दो तो अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अब यहाँ पर रह गया हमारा जो बेस कंडीशन होती है तो बेस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे अब बेस कंडीशन के लिए ऐसे सोचिए कि कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे हम पक्का से बोल सकते हैं कि ये एरे सॉर्टेड है या नहीं ठीक है तो वो चीज़ तब होगी जब एरे का जो साइज़ है वो वन बन जाता है ना अगर एक ही एलिमेंट है हमारे एरे में तो ऑब्वियसली वो सॉर्टेड ही है तो अगर n इज इक्वल टू वन तो क्या करो रिटर्न कर दो ट्रू है ना तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड वाला फंक्शन अब यहाँ पे अगर इसको कॉल करना है तो सबसे पहले एक एरे बनाती हूँ मैं ठीक है जिसमें हमने डाल दिया राइट और यहाँ पे जो मैंने कॉल कर दिया हमारे फंक्शन को तो यहाँ पे आई एम गेटिंग वन अब अगर ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में था अगर मैं इसको नॉन सॉर्टेड कर दूँ तो क्या फिर भी सही आंसर आता है हमारा लेट्स चेक एंड आई गेट ज़ीरो ठीक है तो ये भी सही आंसर है राइट तो ये हो गया कि कैसे चेक करना है इफ़ एन एरे इज सॉर्टेड और नॉट यूजिंग रिकर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है यार हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं टिल एन
ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं और दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा होगा यहाँ पे, हमें दे रखा होगा एक नंबर जो है n। ठीक है, ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया और हमें करना क्या होगा, हमें इस तक के जो सारे नंबर्स हैं n तक के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने, मतलब n फिर n माइनस वन फिर n माइनस टू एन सो ऑन। तो इसके लिए क्या करेंगे यार, एक फंक्शन लिख देते हैं void टाइप का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये रिकर्शन से कैसे करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, बेस कंडीशन होगा कि जैसे ही ज़ीरो हो जाए n, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली वी विल रिटर्न, राइट। तो वन तक तो हमारे सारे नंबर्स प्रिंट होंगे और फिर ज़ीरो आते ही हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ और यहाँ पे मैंने इनपुट अगर करती हूँ मैं फोर, तो फोर से लेके वन तक मेरे पास सारे नंबर्स आ गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। अब यार एक बारी ना कॉल स्टैक समझते हैं इसका कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऐड होता है स्टैक में, वो कॉल कर रहा है डिक्रीजिंग ऑफ फोर, तो वो फोर जो है प्रिंट हो जाएगा हमारा एंड देन दिस फंक्शन विल कॉल डिक्रीजिंग ऑफ थ्री। डिक्रीजिंग ऑफ थ्री कॉल करते ही थ्री प्रिंट हो गया और फिर ये कॉल करेगा डिक्रीजिंग ऑफ टू, तो हमारा टू प्रिंट हो गया। फिर ये फंक्शन कॉल करेगा डिक्रीजिंग ऑफ वन, तुम्हारा वन प्रिंट हो गया और वन जो है हमारा बेस कंडीशन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न करके फिर ये टू पे आएगा, फिर थ्री पे, फोर पे एंड देन वापस मेन फंक्शन में, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए थ्रू रिकर्शन हमारा ये कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यार वो बहुत इजी है, इसमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि हम कब जो है अपना नंबर प्रिंट कर रहे हैं और कब हम दोबारा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं ये सेम फंक्शन लिखती हूँ int n, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमें वन से लेके एन तक जो है नंबर्स प्रिंट करने हैं, है ना। पहले हम एन टू वन कर रहे थे, अब वन टू एन करने हैं। तो यार अब जैसे पिछले वाले फंक्शन में हम पहले प्रिंट कर रहे थे और फिर कॉल कर रहे थे फंक्शन फॉर एन माइनस वन, अब यहाँ पे अगर हमने पहले इंक एन माइनस वन कॉल कर दिया और फिर हमने सी आउट एन कर दिया, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे, है ना। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो है n माइनस वन तक के लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये फोर है तो ये पहले थ्री के लिए कॉल करेगा, थ्री जो है टू के लिए कॉल करेगा, टू वन के लिए कॉल करेगा, फिर जब बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तब उसके बाद जो है ये हमारा सी आउट होगा, है ना। और यहाँ पे हम सेम बेस कंडीशन लगा देते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ इंक ऑफ n एंड फोर के लिए अगर मैं करूँ, तो पहले ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसका एक बारी अब कॉल स्टैक समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन जो है वो कॉल होगा, वो कॉल करेगा इंक ऑफ फोर, ठीक है। तो इंक ऑफ फोर जो है वो क्या करेगा, वो अभी प्रिंट नहीं करेगा फोर को, वो पहले कॉल करेगा इंक ऑफ थ्री, इंक ऑफ थ्री कॉल करेगा इंक ऑफ टू और वो कॉल करेगा इंक ऑफ वन। अब वन पे हमारी जब बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तब हम क्या कर देंगे, वन जो है हम प्रिंट कर देंगे और ये प्रिंट होने के बाद जो है हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न हो जाएगा इंक टू में। अब यहाँ पे फिर हमारा जो टू है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर ये कर देगा रिटर्न इंक टू इंक थ्री, वहाँ पे हमारा हो जाएगा इंक थ्री अब प्रिंट, फिर जो है प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न कर देगा, वहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर प्रिंट और फोर प्रिंट करने के बाद वो मेन में रिटर्न कर देगा। तो ऐसे जो है हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम पहले नंबर को प्रिंट कर रहे हैं या फिर हम पहले उसको फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं फॉर एन माइनस वन, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ अ नंबर इन एन एरे। तो यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा होगा और इस एरे में हमें किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट अकरेंस है, मतलब पहली बार जिस इंडेक्स पे वो आ रहा है, और लास्ट अकरेंस मतलब कि लास्ट वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है वो बताना है। तो जैसे यहाँ पे आप 2 देखें तो 2 का जो फर्स्ट अकरेंस है वो है एट पोजिशन 1 और जो उसका लास्ट अकरेंस है वो है एट पोजिशन 5, है ना। तो यही इंडेक्स जो है हमें बताना है। तो यार ये कैसे करेंगे, सबसे पहले ना इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट अकरेंस, तो वो तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे कि जो है ये एरे जो है ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, और ट्रेवर्स कैसे करेंगे, थ्रू रिकर्शन। हम फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पे चेक करेंगे कि क्या ये वही नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं तो बाकी के जो एरे है, एरे प्लस 1 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो बाकी का एरे के लिए अब आप सर्च करो। अगर हमें मिल जाता है तो हम इसका इंडेक्स जो है रिटर्न कर देंगे, है ना। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर बाकी में सर्च करेंगे। तुम्हारा सर्च जो है वो एक एक करके कम होता रहेगा, राइट। तो इसको अगर मैं कोड करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगी इंट फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, और यहाँ पे जा रहा होगा मेरा एरे, उसका साइज़। अब यहाँ पे हमें एक आई जो है पॉइंटर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो है उसकी पोजीशन भेजनी है जिस पोजीशन पे वो नंबर हमें मिल रहा है ना। तो पोजीशन स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा आई, और की वो हो गया जो हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ ज़ीरो जो है, या मैं बोलूँ एरे ऑफ आई, ठीक है, आई को हम इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो से, क्या ये की के इक्वल है। अगर ये है तो आप रिटर्न कर दो सिंपली आई, है ना। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बाकी का जो एरे है उसको कॉल कर देंगे, है ना। तो हम लिख देंगे फर्स्ट अकरेंस, यहाँ पे एरे एज इट इज़ जाएगा, एन जो है एज इट इज़ जाएगा, एन हम ओरिजिनल एरे का साइज रख रहे हैं, और आई प्लस 1 हो जाएगा, राइट, एंड द की। तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ आई इक्वल टू एन, मतलब कि लास्ट तक पहुँच जाते हैं हम, कि हम यहाँ पे आई को जो है बढ़ा रहे हैं रिकर्शन कॉल में, हम उसको एक स्टेप से बढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न माइनस 1, मतलब कि हमें हमारा जो की है वो नहीं मिला आरे में, तो हम रिटर्न कर देंगे माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको आरे बना लेती हूँ, 4, 2, 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया इंडेक्स 1, है ना। तो 2 मैंने सर्च किया था इस आरे में और हमारा 1 इंडेक्स पे ही है 2, तो हमें सही आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट अकरेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या एरे ऑफ आई की के इक्वल है, अगर है तो हम वहीं पर रिटर्न कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो ही हम बाकी के एरे के लिए सर्च कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही पहली इंस्टेंस हमें मिलती है हमारे की की, तो हम वहीं पर रिटर्न कर देते हैं उसका इंडेक्स, हम आगे का चेक ही नहीं कर रहे। अब वॉट इफ़ हमें लास्ट अकरेंस चाहिए, अब यू कैन से कि लास्ट से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बट वो चीज़ नहीं करनी है, हमें शुरू से ही स्टार्ट करना है, बट वी वॉन्ट कि जो लास्ट इंडेक्स है वो हमें मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे हम पहले चेक कर रहे हैं आई पे और फिर कॉल कर रहे हैं बाकी के आरे के लिए, यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे लास्ट अकरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेती हूँ लास्ट अकरेंस, और यहाँ पे जा रहा होगा मेरा एरे, एन आई और की, राइट। अब क्या करेंगे, हम पहले जो बाकी का एरे है उसमें चेक लगा देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ एक वेरिएबल में, रेस्ट एरे, ठीक है, और लास्ट अकरेंस इसमें क्या हो जाएगा, एरे एन आई प्लस 1 और की। अब मैं क्या चेक करूँगी कि अगर रेस्ट एरे
इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. अगर माइनस वन के इक्वल है मतलब कि रेस्ट एरे में हमें हमारा की नहीं मिला है. बट अगर वो माइनस वन के इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या रेस्ट एरे, है ना. अब अगर हमारा रेस्ट एरे माइनस वन के इक्वल है तो मतलब कि हमें बाकी के एरे में जो है नहीं मिला है हमारा की. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक लगाएंगे एक और कि क्या एरे ऑफ आई है की के इक्वल. अगर हाँ तो रिटर्न कर दो आई, वरना रिटर्न कर दो माइनस वन, मतलब कि हमें की नहीं मिली है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट अकरेंस है यहाँ पे हम पहले जो है हम आई प्लस वन के लिए कॉल कर रहे हैं, फिर जो करंट आई है उस पर चेक कर रहे हैं. ठीक है, पहले वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि पहले हम चेक कर रहे थे और फिर बाकी के एरे के लिए कॉल कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या अलग होगा, ये अलग होगा कि वो पहले लास्ट तक जाएगा, ठीक है, और फिर वहाँ से वो वापस पीछे आने लगेगा. तो उससे क्या होगा, जो हमारा लास्ट अकरेंस होगा हमारा की का उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा. अब यहाँ पे जो बेस कंडीशन होगी वो सेम हो जाएगी, है ना. अगर i इक्वल टू n हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे माइनस वन. अब यहाँ पे मैं इसको भी एक बारी प्रिंट करके देखती हूँ. तो ये फर्स्ट अकरेंस की जगह हो जाएगा लास्ट अकरेंस, राइट, और रन. तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है वन और फाइव, है ना. टू का यही थे इंडेक्सेस, फर्स्ट इंडेक्स था वन और जो लास्ट था वो था फिफ्थ इंडेक्स. तो हमें मिल गया हमारा आंसर. तो ये तरीका हो गया फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालने का, ठीक है. तो जो आज का हमने ये वाला क्वेश्चन किया और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन था उसमें भी बस मेरा मोटिव यही था बताने का कि कैसे हम जिस ऑर्डर में अब हमारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, कि हम पहले कुछ काम कर रहे हैं और फिर जो है रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, या फिर पहले रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं और फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनमें एक डिफरेंस आ जाता है और वो डिफरेंस समझना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे ऑन रिकर्शन जिससे थोड़े ऊपर हायर लेवल के होंगे, ठीक है. उससे पहले ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से यार दो तीन बारी कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहे हैं. थोड़ा सा है डिफिकल्ट ये टॉपिक रिकर्शन, बट क्वेश्चंस आप करते रहोगे ये बेसिक लेवल वाले ही, अगर आपको ये समझ में आ गए क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट वाले तो आप जो है करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना.